हर हर गंगे, जय माँ गंगे बोलते हुए माताएं बहने जा रही हैं बाजे के साथ, सर पर मटकी लिए हुए माँ गंगा जी में प्रवाहित करने, मुझे नहीं पता किस लिए, उत्तरकाशी की मार्केट में। जय मेरी माता रानी, जय जय मेरी माता रानी। आपको याद किया, आप ना हाजिर हो। अच्छा, तो आपका आदेश मैं कैसे टाल सकता हूँ मेरे प्रभु? जी 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 मेरे प्रभु, अभी महाराज जी माताओं को शॉल पहनाएंगे, और शॉल पहनने से पहले आप ये दर्शन कर रहे हैं माताओं के, और शॉल पहनने के बाद भी आपको दर्शन होंगे। और माता देखिए अभी इतनी सुंदर लग रही हैं, वाह, रोम रोम प्रसन्न हो जाता है माँ के दर्शन करके। शॉल के पश्चात फिर आपको दर्शन करवाऊंगा, और चुन्नी भी आई आई है ना प्रभु? चुन्नी भी आई है। चुन्नी आप कह रहे थे? हाँ आई है। वाह, चुन्नी पहना करूँ मैं? चुन्नी पहना के करूँ? चुन्नी भी पहना के और फिर शॉल पहना के, तो आप दोनों पहना के फिर कर लेंगे आप। अच्छा, चुन्नी पहना के। जय मेरी माँ, कितनी सुंदर शॉल है मित्रों, देखिए, वाह मेरे प्रभु वाह, बहुत सुंदर। चलिए पहनाते हैं आप माँ को। जी प्रभु, इतना सवा साल हो गया, इतना तो मैं आपके बारे में जान ही गया हूँ। ये लीजिए, वाह, चुन्नी उड़ाई जा रही है माता जी को, और उसके बाद शॉल। एक दर्शन आपको करा देता हूँ चुन्नी ओढ़ने के बाद, और ये देखिए माँ कितनी कितनी प्यारी लग रही है। और अब शॉल पहनाते हैं प्रभु। हैं आप देखो क्या लग रहा है? आनंद आनंद मेरे प्रभु है? वाह, दिव्य दिव्य। वाह प्रभु, शॉल पहनने के बाद कितनी सुंदर और लग रही है माता। अच्छा, नरेंद्र चंचल का मुझे भजन याद आ गया कि मेरी माँ को नजर ना लग जाए, सज धज के बैठी माँ, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। वाह, जय मेरी मैया महादेव। ये चुनिया प्रभु उधर ले चलते हैं। वाह जी, आ गया जी जी, बहुत सुंदर। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों मैं अभी महाराज जी के पास से माता को चुन्नी और शॉल पहनाने के पश्चात यहाँ आया, और ये दृश्य मुझे कुछ इतना सुंदर लगा कि मन की आपके साथ साझा करने का। चलिए चलते हैं शिव चरण वाटिका। महादेव हर, गंगा मैया जी। चलिए मित्रों चलते हैं शिव चरण वाटिका में, और ये मैंने आज लगाया है शिव चरण वाटिका, सौजन्य गंगोरी ग्रामवासी, विनती है कृपया सांप से सावधान रहे एवं जाते हुए गेट बंद करके जाएं तथा फूल पौधों का ध्यान रखें। इसका कारण है कि एक तो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि यह सांप है, हरे रंग का सांप है, हरी घास है, दिखता नहीं है, तो उससे थोड़े सावधान हो जाएंगे। और कई लोग भाई ये गेट आते हैं फिर वापस जाते हुए गेट खुला छोड़ जाते हैं, खच्चर और भेड़ अंदर घुस सकती है, ये खतरा है। और कई भाई बहन क्या करते हैं कि नए हैं उनको पता नहीं होता कहाँ कहाँ पौधे लगे हैं, वो उन पर पैर भी रख देते हैं, कई पौधे ऐसे टूट जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये सूचना लगाना आवश्यक हो गया था, सूचना कह लीजिए या प्रार्थना कह लीजिए। जय गंगे मैया, जय मेरे शंभू। अभी देखने में आपको केवल यहाँ गेंदा दिखाई दे रहा है, वो भी प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, वहां उस कोने तक है, परंतु अनेक अनेक और पुष्प भी हैं, और ऐसी कलमें भी लगा रखी हैं दूसरे फूलों की जो कि आगे से आने वाले समय में होनी है। ये शमी यहाँ पर लगा दिया गया, यहाँ धूप अच्छी मिलेगी इसको। जय मेरी गंगा माँ, महादेव शंभो, हरे हरे महादेव शंभो,
शंभो कैलाशपति। मित्रों, पिछले कुछ समय का अनुमान आपको थोड़ा बहुत होगा मेरे बारे में, जो कि शिवचरण वाटिका में नल और जल की समस्या चल रही थी। वो जल पहले तो शिवचरण वाटिका से कनेक्शन काटा गया, गांव के बुजुर्गों के कहने पर मैंने वो दोबारा जोड़ दिया था, परंतु फिर वो कनेक्शन मंदिर से भी हटा दिया गया, जो कि हम भाई बहनों ने मिलकर लगवाया था। 21,000 रुपये शुरू में उसमें मेरे लगे थे, मैंने लगाए थे, उसमें बिल मैं भर रहा था उसका, उसमें जो भागदौड़ की, मेहनत की, वो अलग। फिर यहाँ तक जब आया था शिवचरण वाटिका तक पाइप, 9,000 उसमें लगे थे, 30,000 उसमें, और इसमें शिवचरण वाटिका में ना जाने कितने पैसे लग चुके हैं। 1.5 साल का मेरा परिश्रम लगा है, और केवल 1-2 लोगों की वजह से सारे गांव वाले सदमे में है, एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी किसकी सोच बुद्धि हो सकती है कि इतने सुंदर कार्य में भी बाधा डालें। दुनिया मंदिर में सुविधा कराती है, पुण्य कार्य करती है, आप जैसे भाई बहन पुण्य कार्य करते हैं, पैसा भेजते हैं ऐसे सुंदर कामों के लिए, पुण्य कार्यों के लिए, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मंदिर से नल हटवा दिया। उससे मंदिर में तो असुविधा है ही है, मंदिर में साफ सफाई होती थी, मंदिर के बर्तन मंजते थे, उसके अलावा लोग पानी पीते थे, लोग प्याऊ लगाते हैं, उन्होंने प्याऊ हटवा दिया। कारण कुछ नहीं, बहुत लोगों ने कारण पूछा कि कुछ नहीं। तो अब जो गौरा माता मंदिर पे बाथरूम बनवाना था, उसके लिए मैंने आप भाई बहनों से सहयोग मांगा था, और मेरे पास 55,000-56,000 रुपया आ चुका है। परंतु मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए, अब मेरी इच्छा ही नहीं बची यहां गंगोरी में ऐसा कोई भी कार्य किया जाए। सभी गांव वाले कह रहे हैं कि आप इतना अच्छा कार्य करते हो, पैसा लगा रहे हो, परिश्रम लगा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, यहाँ शिवचरण वाटिका में सांप है, इतना तक आप खतरा लेकर ये सेवा कर रहे हो। गांव वाले भी शब्दों से तो मेरे साथ हैं, एक दो मेरे साथ खड़े भी होते हैं, परंतु फिर आजकल समय यही है कि क्या सब ये सोच लेते हैं कि अरे कौन इस झंझट में पड़े, कौन इस लफड़े में पड़े, मुझे क्या, छोड़ो ना, मैं क्यों बुरा बनूं किसी के सामने। और फिर थोड़ी देर बाद स्वयं ये भी बोल देते हैं साथ में, अरे कलयुग है, बुराई बहुत बढ़ गई है। बुराई बढ़ नहीं गई है, बुराई को हमने बढ़ाया है। हमने कैसे, बुराई के खिलाफ हम कुछ बोलते ही नहीं, बुराई के विरुद्ध हम खड़े होते ही नहीं। जहां बुराई देखी हम पतली गली पकड़ते हैं, सरक जाते हैं, हमें क्या, हम क्यों झंझट में पड़े, कौन किसी से बैर मोल ले। तो मेरी इच्छा मर गई है इस गंगोरी में, इस गंगोरी के लोगों से। देखिए, अच्छे और बुरे हर जगह लोग होते हैं, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, अच्छे लोग भी मिलेंगे हर जगह और बुरे लोग भी मिलेंगे हर जगह, और उन बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों से भी विश्वास उठ जाता है, और नुकसान उन अच्छे लोगों का होता है उन अच्छे लोगों की वजह से ही, क्योंकि वो बुराई के खिलाफ बोलते ही नहीं बोलते। तो मैंने क्या ठेका ले रखा है, पिछले 2-2.5 महीने से जिस चिंता में मैं मरा जा रहा हूं, इस नल की, जल की, पौधों की चिंता में, मंदिर की चिंता में, गांव वालों को फर्क ही नहीं है, तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा भाई। मैं यहाँ शांति से रहने आया था, जीने आया था, माँ के श्री चरणों में शांतिपूर्वक अपना भजन करने आया था, भजन ना भी करूं, उनके दर्शन करूं, शांति से जीवन तो व्यतीत करने आया था, परंतु वो मेरे जीवन को इतना अशांत कर दिया गया। अच्छा भला जीवन चल रहा था सिर्फ एक ही चीज से, मैंने वो सरदर्दी छोड़ दी है जो नल वाली थी, जिसकी करनी उसके आगे। मंदिर में खड़े होकर लोग झूठ बोल देते हैं, और मुझ जैसा बेवकूफ अज्ञानी अगर झूठ, ऐसा पाप करे तो उसको भगवान क्षमा कर देते हैं, अरे अज्ञानी है, बेवकूफ है, गलती हो गई, पाप हो गया, बाबा क्षमा कर देते हैं, माँ क्षमा कर देती हैं। परंतु एक परम ज्ञानी, जिसको ना जाने कितने वेदों का, पुराणों का, और ना जाने कितना ज्ञान है, वो लोग मंदिर में खड़े होकर मुंह पर सफेद झूठ बोल देते हैं। तो मेरा, आपका, उनका
सबका न्याय करने वाला तो है ना। पता उनको भी है एक दिन वहां जाना है, उसके सामने खड़े होना है, परंतु लोगों का डर खत्म हो गया ऊपर वाले का। भगवान सद्बुद्धि दे सबको, विशेषकर मुझे। तो अब मैं विचार कर रहा हूं कि गौरा माता मंदिर पर मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, खत्म हो गई है। कि मैं क्यों ये शांति से जीने आया था, मैं क्यों ये टेंशन चिंताएं पालू, ये हो गया वो हो गया, बाद में फिर कुछ और हो जाएगा। आप भाई बहन कृपया हाथ जोड़कर विनती है, और खासकर वो जिन्होंने पैसा भेजा है, 55-56 हजार रुपया मेरे पास आ चुका है, उस पैसे से भंडारा किया जा सकता है, जितने भी भंडारे हो सकते हैं। सर्दियां आ रही हैं, गरीबों को गरीब कपड़ा दिया जा सकता है, गर्म कपड़ा। गंगोत्री धाम में कपाट बंद होने वाले हैं, वहां पर कुछ सेवा दी जा सकती है। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, कृपया अपनी अपनी राय अवश्य बताए, हर एक जिसने पैसे भेजे हैं वो भी, जिसने नहीं भेजे हैं वो भी, कृपया सभी भाइयों का इसमें सलाह बहुत आवश्यक है कि उस पैसे का 55-56 हजार रुपए का क्या किया जाए, या वो बाथरूम ही बनवाया जाए, वो भी आप बता सकते हैं। मेरी इच्छा नहीं है बाथरूम बनवाने की, गंगोरी से मन नहीं भरा, परंतु गंगोरी के लोगों से कुछ दो, मतलब मुझे उन दो लोगों से ज्यादा, जो दो लोग, जिन दो लोगों की इन्होंने गलत किया, ये इतने सुंदर पवित्र पौधे हैं, इनको जल मिल जाता, मंदिर में जल मिल जाता, और दो लोगों की वजह से पूरा गांव बुरा सबको लग रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा, बोल कोई नहीं रहा, कौन टेंशन ले, कौन पाले। तो मैं किरायेदार हूं, मैं तो आज यहां से उठ के कहीं और चला जाऊंगा, यही तो किरायेदार का आनंद है। यहां से उठ के अपना तो मोदी वाली बात है, झोला उठा के चल पड़ेंगे, फक्कड़ लोग हैं, और बाबा के भगत वैसे ही फक्कड़ होते हैं। कृपया अपनी राय अवश्य दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों। देवप्रयाग और आसपास के क्षेत्रों को जिया जाए, फिर साल डेढ़ साल रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और ऐसे ही इस पावन भूमि का आनंद लिया जाए। और उसमें फायदा यह भी था हम सबका, मेरा भी और आपका भी, कि नए नए और स्थान हमें अनेकों अनेक स्थान देखने को मिलेंगे अगर मैं इस एक स्थान को छोड़ देता हूं तो। और हो सकता है बाबा की यही इच्छा हो कि वैसे तो ये पौधों में उलझा रहेगा, जो ये करते हैं अच्छा ही करते हैं, मैं तो हमेशा से बोलता आया हूं, तो इन्होंने इसीलिए ये किया हो कि ये वैसे यहां उलझा रहेगा, इसको यहां से हटाने के लिए ऐसे लोगों से भेंट करानी ही पड़ेगी। चलिए, जैसी माँ बाबा की इच्छा उनकी कृपा। मित्रों, मेरा तो विचार ये कहता है कि ये सर्दियां यहीं बिताई जाएं, और उसके पश्चात अगली फरवरी मार्च में चला जाए देवप्रयाग, या जैसी माँ बाबा की इच्छा। सोचते तो वो हैं सब कुछ, परंतु थोड़ा सा कभी कभार मैं भी सोच लेता हूँ, देखते हैं, हो सकता है उनका ही विचार मेरे मन में ये आ रहा हो। और मेरा शुरू से ही विचार ये था कि एक जगह टिक कर नहीं रहना है, हर स्थान को कुछ कुछ समय के लिए जीना है। आप सब भाई बहन, मेरी माँ और मैं, अलग अलग स्थानों के दर्शन अच्छे से, हम जहां पर रहते हैं उस स्थान को अच्छे से जी सकते हैं, जान सकते हैं, ना कि एक बार जाकर और आकर। विचार अवश्य बताइएगा। उन पौधों की मोह में, माया में फंस गया था, जिससे मुझे लगता है कि बाबा मुझे स्वतंत्र आजाद करना चाह रहे हैं। हार 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 हार।